हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और उनके कॉन्सेप्ट्स, कुछ और उनके यूजेस। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक वीडियो हम ऑलरेडी पहले एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पे, उसमें हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के कुछ और बेसिक यूजेस और उन पे आने वाले किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे समझना है, व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड, ठीक है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, आज जो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक्स, मतलब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसको एक बार आप अच्छे से समझेंगे, ये काफी ईजी आप समझ भी जाओगे, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ भी जाएंगे और जब इसको आप अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में, तो आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, दे बिकम इजियर, वो और भी आसान हो जाते हैं। दे आर ऑलरेडी इजी, बट दे बिकम इजियर आफ्टर दैट। ठीक है, देखिए, हियर वी हैव गॉट थ्री सेंटेंसेस। सेंटेंस ए, आई एंड कमल डैश टू ब्लेम, आई और कमल डैश टू ब्लेम, आई विद कमल डैश टू ब्लेम। ठीक है, ये हमारे तीन सेंटेंसेस हैं। अगर हम इन सेंटेंसेस में ध्यान से देखें तो जो डिफरेंसेस हैं वो ये वर्ड्स हैं। ठीक, अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। विद प्रेपोजिशन है, ध्यान रखेंगे, और कंजंक्शन है, और एंड भी कंजंक्शन है। अब देखिए, एंड जो है ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि ऐसे कंजंक्शंस विच आर यूज्ड टू मेक कंपाउंड्स, जिनको हम कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंड का यूज सब्जेक्ट आई और कमल को कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट को कंपाउंड कर रहा है। अगर सब्जेक्ट को कंपाउंड कर रहा है तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट हो गया आई, एक सब्जेक्ट हो गया कमल, और इन दोनों को हमें एज अ कंपाउंड सब्जेक्ट ट्रीट करना है, क्योंकि इनको हमने क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड से कनेक्ट कर रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई एंड कमल ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं। तो दोनों सब्जेक्ट हैं तो ये सब्जेक्ट हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया और इसका नंबर हो गया प्लुरल। ठीक है, मोर देन वन प्लुरल होता है, तो अगर इसका नंबर प्लुरल हो गया तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए आर। ये आंसर हो गया। अच्छा, इस तरीके से अगर हम देखें तो आई सब्जेक्ट है और कमल भी सब्जेक्ट है और कंजंक्शन है, दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट कर रहा है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर भी आर लिखना चाहिए। लेकिन ध्यान ये देना है कि और अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। और का यूज हम करते हैं ऐसे वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब और डजंट मेक कंपाउंड्स। ठीक है, और हम इसलिए यूज करते हैं जिससे हम ये बता पाएंगे दीज वर्ड्स आर अल्टरनेटिव्स, एक दूसरे के ये विकल्प हैं, या तो ये या फिर वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है, या तो कमल है या फिर आई है। ठीक है, तो अगर कमल है सब्जेक्ट तो हमें इज लिखना पड़ेगा, आई है तो उसके अकॉर्डिंग एम लिखना पड़ेगा। अच्छा, हमें ये पता होता नहीं इनमें से कौन है, क्योंकि अगर हमें पता ही होता तो और की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता नहीं होता इनमें से कौन सब्जेक्ट है, आई है या कमल है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब को पास वाले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें वर्ब लिखनी है तो वर्ब के पास में कमल लिखा हुआ है, तो हम कमल के अकॉर्डिंग ही इज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो विद हमने लिखा है, इट इज नॉट अ कंजंक्शन, इट इज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टुगेदरनेस, तो ये विद प्रेपोजिशन है। अगर ये विद प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो हमने कमल नाउन लिख रखा है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो हम जो वर्ब लिखेंगे उस वर्ब का सब्जेक्ट आई हो गया, आई के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब लिखेंगे तो यहां पर एम आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, लेकिन हमें आंसर्स पे फोकस नहीं करना है, वी डोंट हैव टू स्ट्रेस आंसर्स, हमें तो ये समझना है कि ये आर इज एम क्यों आया, मतलब। ठीक है, मैं फिर से देखिए और आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, आई एक सब्जेक्ट है, कमल एक सब्जेक्ट है, अगर हम एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से इन्हें कनेक्ट करेंगे तो ये सब्जेक्ट कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड का मतलब मोर देन वन हो जाएगा, मोर देन वन का मतलब नंबर प्लुरल हो जाएगा, नंबर प्लुरल हो जाएगा तो वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ेगी आर। यहां पर भी हमने कंजंक्शन और यूज किया है, लेकिन ये और अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अगर हम और की मदद से आई और कमल को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आई और कमल को कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम इनको एज अल्टरनेटिव सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इधर दिस और दैट। ठीक है, तो अगर हम और से आई एंड कमल को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, इनमें से या तो आई या फिर कमल सब्जेक्ट है। अच्छा, अगर आई सब्जेक्ट है तो हमें एम यूज करना पड़ेगा, कमल सब्जेक्ट है तो हमें इज यूज करना पड़ेगा, बट वी डोंट नो हु द एक्चुअली सब्जेक्ट इज, हमें नहीं पता कि रियल सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो हम वर्ब तो यूज ही करनी है, नहीं पता है सब्जेक्ट कौन है, लेकिन आपको इनमें से किसी एक अकॉर्डिंग वर्ब तो यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, वर्ब को यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे कमल जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे इज लिख दिया। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ये जो हमने विद वर्ड यूज किया ना, इट इज अ प्रेपोजिशन।
इट इज नॉट अ कंजंक्शन, इट इज अ प्रेपोजिशन. एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि प्रेपोजिशंस जो होती हैं उनके बाद में लिखे गए नाउन या प्रोनाउन उन प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट होते हैं. तो जो कमल है ये विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. तो अगर ये कमल विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब जो हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे वो कमल के अकॉर्डिंग नहीं यूज हो सकती, बिकॉज सच नाउन्स और प्रोनाउन्स एज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशंस कैन नेवर बी द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ओके, तो ये जो कमल है ये विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब का सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता. तो वर्ब का सब्जेक्ट हो गया आई, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे तो आ जाएगा एम. ठीक है, तो यहां पर आई के अकॉर्डिंग हमने एम यूज कर लिया, यहां पर कमल के अकॉर्डिंग हमने इज यूज कर लिया, और यहां पर कमल और आई दोनों के अकॉर्डिंग आर यूज कर लिया. ये आपको समझना है कि अगर हम और यूज कर रहे हैं या नॉर यूज कर रहे हैं तो ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है. अगर हम एंड यूज कर रहे हैं तो वो मतलब क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कंपाउंड बना देते हैं. अल्टरनेटिव कंजंक्शन कंपाउंड नहीं फॉर्म करते, वो अल्टरनेटिव को एक साथ में पुट करने के लिए यूज किए जाते हैं. विद कोई कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन है. जब ये बेसिक्स आपको याद रहेंगे, अब इन बेसिक्स के ना मैं आपको डिटेल में यूजर समझाता हूं. देखिए, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि डोंट यूज वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशंस. कभी भी वर्ब्स को प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं यूज करना है. ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, अब हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लिखा है, एवरी वन बट यू हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी. नाउ अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे बात जानते हैं पहले से या नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, द वर्ड बट इज अ कंजंक्शन एंड इट इज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो. ठीक है, ये जो बट वर्ड है ये कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होते हैं. जब ये कंजंक्शन होता है तो इसका यूज हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, और आप ऐसे कह सकते हैं कि येट एंड स्टिल आर द सिनोनिम्स ऑफ इट. बट व्हेन इट इज अ प्रेपोजिशन इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन ऑफ एक्सक्लूजन. ये रिलेशन ऑफ एक्सक्लूजन शो करता है और इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग. तो ये जो बट वर्ड है ना ये कंजंक्शन भी होता है और ये प्रेपोजिशन भी होता है. जब ये प्रेपोजिशन होता है तो ये रिलेशन ऑफ एक्सक्लूजन एक्सप्रेस करता है और इसका यूज हम किसी टोटल में से किसी पार्ट को एक्सक्लूड करने के लिए यूज करते हैं. मतलब हम ये शो कर रहे होते हैं कि दिस पार्ट हैज बीन रिमूव्ड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस टोटल. जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, एवरी वन का मतलब टोटल हो गया, एवरी वन का मतलब ऑल ऑल दो सारे के सारे. अब हमने इसके बाद में एवरी वन के बाद में बट यूज करके एक प्रोनाउन यूज किया यू. ठीक है, तो ये जो बट है ना ये प्रेपोजिशन है जो इस टोटल एवरीवन में से यू को एक्सक्लूड कर रहा है. तो इसका मतलब हो गया एवरीवन बट यू का मतलब हो गया एवरीवन एक्सक्लूडिंग यू. ओके, तो ये जो बट है ये प्रेपोजिशन है, यू इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया. तो एवरीवन जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एवरीवन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखनी पड़ेगी. तो यहां पर हैव की जगह हैज आ जाएगा क्योंकि एवरीवन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है. तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन शो करने वाले प्रोनाउंस होते हैं उनका नंबर सिंगुलर होता है, उनके साथ में वर्ब सिंगुलर लिखनी चाहिए. तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा एवरीवन बट यू हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी. अच्छा, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको बोलने में या सुनने में या कहने में कितना ऑकवर्ड लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है बोलने में, बट दैट इज द आंसर. आंसर यही है, दैट्स करेक्ट. ठीक है, ये सही है, एवरी वन बट यू हैज बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी. तो सबसे पहले आपको ये बात, मतलब एक छोटा सा लॉजिक है जो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वर्ब के सब्जेक्ट्स नहीं बन सकते. ठीक है, तो बट प्रेपोजिशन है, यू इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये इस वर्ब के सब्जेक्ट नहीं बन सकते. इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया एवरीवन, एवरीवन का नंबर सिंगुलर होता है डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो इसके साथ वर्ब हमें सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, हैज, दैट्स द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, अ फॉरेन टूरिस्ट विद सम हैवी सूटकेसेस वर सीन एट द स्टेशन. नाउ सी, विद इज अ प्रेपोजिशन, सम हैवी सूटकेसेस आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस प्रेपोजिशन. ओके, अ फॉरेन टूरिस्ट द सब्जेक्ट, अब फॉरेन टूरिस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे तो यहाँ पे यूज हो जाएगा वॉज, दैट इज द आंसर. और देखिए, दिल्ली लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज आर पॉल्यूटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड. नाउ सी, दिस वर्ड लाइक इज अ वर्ब ऑल्सो. ये जो लाइक होता है ना ये एक वर्ब भी होता है. लाइक का मतलब होता है पसंद करना, एंड इट एक्सप्रेसेस मेंटल स्टेट ऑफ आवर्स. ठीक है, ये हमारी मेंटल स्टेट शो करता है. लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है दिल्ली, ध्यान से देखें तो दिल्ली जो है दैट इज अ प्लेस नॉट सम पर्सन. सो डेली कांट है मेंटल स्टेट, मतलब मेंटल स्टेट किसमें पॉसिबल है. ठीक है, जिसमें माइंड होगा. ठीक है, डेली इज अ प्लेस, इट डजंट हैव अ माइंड, सो इट कांट हैव अ मेंटल स्टेट. तो इसका मतलब जो लाइक है ना, इट इज नॉट अ वर्ब हियर. क्योंकि लाइक जब वर्ब होता है तो लाइक को हम एज अ वर्ब यूज करते हैं किसी के मेंटल स्टेट रेफर करने के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम डेली के साथ में लाइक को यूज कर रहे हैं तो ये वर्ब तो होगा नहीं. तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन. एक तो वो हमने मतलब दिल्ली जो नाउन है उससे रिलेट करके जान लिया कि इट कांट बी अ वर्ब. ठीक है, अच्छा एक दूसरी वजह भी मैं आपको बताता हूँ.
अगर आप लाइक को वर्ब मान लेंगे, इन केस आप लाइक को वर्ब मान लेते हैं ठीक है, तो फिर ये जो आर हमने वर्ब यूज किए इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अगर लाइक वर्ब हो जाएगी तो मोस्ट इंडियन सिटीज उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ये जो वर्ब हमने आर लिख रखी है इसका हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने वर्ब आर यूज कर रखी है ना तो इसका मतलब लाइक वर्ब नहीं है, ये एक प्रेपोजिशन है। लाइक प्रेपोजिशन होती है और रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी एक्सप्रेस करती है, रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी। तो दिल्ली में और मोस्ट इंडियन सिटीज में मतलब एक सिचुएशन जो है वो सिमिलर है कि ये पॉल्यूटेड है, ओवर पॉपुलेटेड भी है ठीक है। तो यहाँ पर हमने लाइक प्रेपोजिशन का यूज इसलिए कर लिया जिससे कि हम दिल्ली और मोस्ट इंडियन सिटीज को रिलेट कर पाए कि दिस सिचुएशन इज सिमिलर ठीक है, ये सिचुएशन दोनों के लिए सिमिलर है। तो लाइक प्रेपोजिशन हो गया, मोस्ट इंडियन सिटीज इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया दिल्ली, दिल्ली के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे तो आपको इज यूज करना पड़ेगा ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिल्ली लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज इज पॉल्यूटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आर प्रिंसिपल एज वेल एज आर टीचर्स, नाउ सी एज वेल एज इज नॉट अ प्रॉपर प्रेपोजिशन बट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज एज इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन, रिलेशन ऑफ एडिशन ठीक है। तो एज वेल एज जो है ये कोई प्रॉपर प्रेपोजिशन नहीं है लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो दो वर्ड्स को जो कि मतलब आपस में कोई रिलेशन शेयर करते हैं कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, एज वेल एज के साथ में जो हमने आर टीचर्स लिखा ना ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये रिलेशन ऑफ एडिशन एक्सप्रेस करने के लिए हम एज वेल एज का यूज करते हैं। तो एज वेल एज प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, आर टीचर्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब हो गया आर प्रिंसिपल, आर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे तो यहाँ पर हैज आ जाएगा ठीक है। आर प्रिंसिपल एज वेल एज आर टीचर्स हैज बीन कॉल्ड अक्यूज्ड बाय द बॉय। ओके तो यहां पर हमें ध्यान ये रखना है कि वेन एवर वी यूज सम प्रेपोजिशन और सम प्रेपोजिशनल फ्रेज देन यू हैव टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन दैट हैज बीन यूज्ड बिफोर दैट प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज, नॉट बाय द अकॉर्डिंग टू द नाउन दैट हैज बीन यूज्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो अगर हम कभी किसी प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज की मदद से दो नाउन से प्रोनाउंस को आपस में रिलेट करें तो आपको वर्ब जो पहले लिखा गया उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, बाद में जो लिखा गया वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं कर पाएंगे ठीक है। खैर फिफ्थ क्वेश्चन, अक्रॉस दिस रिवर इज सम मड हाउसेज ऑफ द फार्मर्स, नाउ सी अक्रॉस इज अ प्रेपोजिशन, दिस रिवर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन, भाई अक्रॉस प्रेपोजिशन है, दिस रिवर इज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशंस के बाद में लिखे गए नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं, देन इट मींस द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब कांट बी दिस रिवर, ये जो वर्ब हमने यूज किया इसका सब्जेक्ट दिस रिवर तो हो नहीं सकता, देन व्हाट इज द सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट हो गया सम मड हाउसेस, ये सब्जेक्ट हो गया। तो अगर सम मड हाउसेस हमारा सब्जेक्ट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी पड़ेगी आर, क्योंकि वो प्लुरल नंबर का है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का, उसमें भी ये बात समझाई गई थी, इन सर्टेन कंडीशन सब्जेक्ट कैन बी पुट समवेयर एल्स इन द सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस होता है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की पोजिशन होती है दैट इज एट द बिगनिंग, वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है, बट दैट्स नॉट ऑलवेज, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता, समटाइम्स अ सब्जेक्ट कैन बी यूज एट डिफरेंट प्लेसेस समवेयर एल्स इन द सेंटेंस। ओके तो यहां पर वही हुआ है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना सम मड हाउसेज ही हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब आर लिख दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस ना यूज हो, तो हम उसको पता कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट जो एट द बिगनिंग हमने लिख रखा वो सब्जेक्ट नहीं है, और अगर सब्जेक्ट है तो वो सेंटेंस में फिर गया कहाँ, कहाँ पर उसको यूज किया गया। तो मैं बताता हूँ आपको दो बेसिक्स ध्यान रखने हैं, पहला बेसिक्स तो ये कि अगर ये अक्रॉस प्रेपोजिशन है तो दिस रिवर सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे ही हम जान सकते हैं कि दिस रिवर या अक्रॉस ये सब्जेक्ट नहीं होंगे ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, ये हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट्स आर व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, एंड इफ यू पे प्रॉपर अटेंशन टू दिस सेंटेंस यू विल फाइंड दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रिवर, वी आर टॉकिंग अबाउट सम मड हाउसेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिवर, वी आर टॉकिंग अबाउट सम मड हाउसेस, अक्रॉस दिस रिवर इज अ पोजिशन, वी आर रेफरिंग टू द पोजिशन ऑफ समथिंग, बट द समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मड हाउसेस ठीक है। तो ये मड हाउसेस है ना इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब आर यूज कर ली। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट इज वॉट वी टॉक अबाउट ठीक है। तो हमने सम मड हाउसेस के अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर ली, दिस रिवर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं यूज की क्योंकि दिस रिवर जो है वो क्रॉस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ठीक है, ये बेसिक ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ वर्ड तो आपने यहां से सीख लिए, जैसे बट है ठीक है, बट है, विद है, लाइक है, एज वेल एज है, और
अक्रॉस है। बाकी कुछ वर्ड देखिए, वैसे तो कोई भी प्रेपोजिशन है उस पर ये आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। बाकी मैं आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देता हूँ जिन पे बेस्ड अक्सर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको स्पेशली ध्यान रखें। लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट एंड नॉट। एंड नॉट हालांकि प्रेपोजिशन नहीं होता है, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा, यहां से हटा देता हूं। विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन कंपनी ऑफ, अलोंग विद लिख दिया, अकंपनीड बाय, accompanied by, in addition to, etc. तो अब देखिए, ये जो कुछ वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। ठीक है, फ्रेज का मतलब अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे लाइक है, अनलाइक है, बट है, बिसाइड्स है, एक्सेप्ट है, विद है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, इन कंपनी ऑफ है, अकम्पनीड बाई है, इन एडिशन टू है। अगर हम इस तरीके की प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का या प्रेपोजिशंस का यूज किन्हीं दो नाउन से प्रोनाउंस को आपस में रिलेट करने के लिए करें, तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखनी है, बिकॉज दैट इज द सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट होता है, इनके बाद में हम लिख देते हैं वो सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, बाकी फिफ्थ एग्जाम्पल है, इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का है वो ये कि व्हेन टॉकिंग अबाउट टू अल्टरनेटिव्स यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द क्लोजर वन। जब आप दो अल्टरनेटिव्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप एज ए सब्जेक्ट दो अल्टरनेटिव्स यूज कर रहे हो, ठीक है, यू आर यूजिंग टू अल्टरनेटिव्स एज ए सब्जेक्ट, देन यू कांट यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू बोथ। आप दोनों के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते, यू हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक के अकॉर्डिंग यूज करनी है। अब किसके अकॉर्डिंग यूज करें, तो वो ध्यान रखना है कि मतलब सेंसिबल भी यही होता है, लॉजिकल भी यही होता है कि आप वर्ब का यूज कर लें वर्ब के पास में लिखे गए नाउन के अकॉर्डिंग, जब आपको वर्ब किसी एक के अकॉर्डिंग ही यूज करनी है। ठीक है, और वो एक कोई भी हो सकता है, इधर ऑफ दोज टू कोई भी हो सकता है उनमें से। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर लें जो वर्ब के पास में लिखा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखें। देखिए, इधर यू और ही आर रिस्पॉन्सिबल, अब नॉर हमने सॉरी ये और लिखना था, नॉर लिखे, चलिए कोई नहीं। तो जैसे हमने लिखा इधर यू और ही, तो ये जो यू है ये एक सब्जेक्ट है और एक ही सब्जेक्ट है, इनको हमने और से कनेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक है, बट वी आर नॉट श्योर विच वन, बट इन्हीं में से कोई एक है। तो अब या तो वर्ब हम यू के अकॉर्डिंग लिखें आर, या हम ई के अकॉर्डिंग लिखें इज। तो ऐसे कंडीशन में व्हेन यू हैव टू वर्ब, व्हेन यू हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू वन ऑफ देम, तो आप हमेशा पास वाले के अकॉर्डिंग यूज करें, तो ही के अकॉर्डिंग यहां पर इसका यूज कर लें। ठीक है, तो खैर ये नॉर तो गलत लिख गया, ही के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करें इज। अच्छा, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन के कंजंक्शन इंग्लिश में दो ही होते हैं, एक नॉर होता है और एक और होता है। तो ये जो नॉर और होते हैं हमारे अल्टरनेशन के कंजंक्शन, इनको लेकर आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि इनके केस में वर्ब को आपको लिखना है वर्ब के पास लिखे गए नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। आई एम नॉट श्योर बट कमल और मोहन हैव इन्फॉर्म्ड द कोच अबाउट इट। नाउ सी, कमल, मोहन और, अब अगर यहाँ पे और की जगह एंड होता तो हम हैव यूज कर लेते, लेकिन चूंकि और यूज कर रखा है तो इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेटिव्स हैं, या तो कमल या फिर मोहन, इनमें से किसी एक ने इन्फॉर्म किया है कोच को। ठीक है, अब किसने किया वो हमें पता नहीं है, बट हमारा डाउट दोनों पे ही है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों ने किया भी नहीं है, किसी एक ने किया है, अब वो कौन है वो हमें नहीं पता, बट वर्ब तो यूज करनी है, तो हम वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। मोहन सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यूज करोगे तो है जाएगा, हालांकि यहाँ पे कमल भी सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो भी है जाएगा, बट अपना ध्यान रखना ये वर्ब हम मोहन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखें, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो हमने देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज किया, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हमने देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज किया, बट जैसा कि हम जानते हैं कि देयर एक एडवर्ब होता है एंड इट डजंट हैव नंबर एंड पर्सन, इसमें नंबर एंड पर्सन नहीं होता, सो इट कांट एग्री विद द वर्ब इन नंबर एंड पर्सन, ये वर्ब के साथ में नंबर एंड पर्सन से एग्री नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज एन एडवर्ब एंड डजंट हैव नंबर एंड पर्सन। तो अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है, तो रियल सब्जेक्ट कौन है, रियल सब्जेक्ट यहाँ पे देखें द कोच होना चाहिए, लेकिन नॉर के साथ देखें तो हमने द प्लेयर्स को भी कनेक्ट कर रखा है, तो हमने क्या किया यहाँ पे नॉर कंजंक्शन से द कोच और द प्लेयर्स दो को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है,
दो नाउन्स हैं, द कोच एक सिंगुलर नाउन है, द प्लेयर्स एक प्लूरल नाउन है, उनको नॉर कंजंक्शन से जो कि अल्टरनेशन का कंजंक्शन होता है उससे कनेक्ट कर रखा है। अब हमने क्या पढ़ा कि जब हम और या नॉर से जो कि कंजंक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं दो नाउन से प्रोनाउंस को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब हमें यूज करनी चाहिए वर्ब के पास लिखे गए के अकॉर्डिंग। अभी तक अगर हम ध्यान से देखें तो पास में वो था जो बाद में लिखा था, जैसे यहाँ पे हमने यू पहले लिखा ही बाद में लिखा तो ही वर्ब के पास था तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिख दी। यहाँ पर हमने कमल को पहले लिखा मोहन को बाद में लिखा तो मोहन जो है जो बाद में लिखा गया सब्जेक्ट है वो वर्ब के पास है तो हमने मोहन के अकॉर्डिंग वर्ब लिख दी। लेकिन यहां पर देखें तो क्या है कि जो हमने पहले लिखा ना कोच वो वर्ब के पास है। जब हम देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो जो पहले लिखा गया नाउन होता है ना वो वर्ब के पास हो जाता है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए। तो अब वर्ब हमें कोच के अकॉर्डिंग लिखनी है प्लेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे आप इज लिखें। तो बेसिक क्या है बात मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिक बात यह है कि जब आप और या नॉर कंजंक्शन का यूज करके दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स होते हैं। हम वर्ब दोनों के अकॉर्डिंग नहीं यूज कर सकते, उनमें से किसी एक के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करनी पड़ती है। तो उसमें आपको हमेशा वर्ब यूज करनी है वर्ब के पास लिखे गए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अच्छा, जनरल सेंटेंसेस में क्या होता है कि वर्ब के पास में लिखा गया नाउन या प्रोनाउन वो होता है जो बाद में लिखा जाए। जैसे यहाँ पे ही बाद में लिखा गया तो ये वर्ब के पास था, यहाँ मोहन बाद में लिखा गया तो ये वर्ब के पास था। लेकिन अगर हम कभी देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का यूज कर लें तो वर्ब के पास में वो हो जाएगा जो पहले लिखा हुआ है तो आप वर्ब उसके अकॉर्डिंग लिख दें। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, डोंट यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन निगेटेड। निगेटेड का मतलब होता है किसी वर्ड को निगेट कर देना। ठीक है, जैसे मैंने सपोज यहां पे लिखा एवरीवन। ठीक है, अब एवरीवन से पहले अगर मैं नॉट लिख दूं, नॉट एवरीवन, तो इसका मतलब मैंने एवरीवन की वैल्यू को निगेट कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही इज माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड जो है ये रिलेशन शो करने वाला नाउन है तो ही इज माई फ्रेंड का मतलब मैं ये बता रहा हूं कि उसका और मेरा फ्रेंड का रिलेशन है। अब मैं यहाँ पे लिख दू नॉट, ही इज नॉट माई फ्रेंड, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, इस माई फ्रेंड नाउन को जो कि रिलेशन एक्सप्रेस कर रहा है उसको निगेट कर दिया। तो ऐसे वर्ड्स जो कि निगेट कर दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग वर्ब ना लिखें, वर्ब उसके अकॉर्डिंग लिखें जो पॉजिटिव वैल्यू कैरी कर रहा है। मतलब अगर कभी मान लीजिए हमने दो नाउन या प्रोनाउन को एक साथ सेंटेंस में किसी कंजंक्शन की मदद से लिखा एक साथ में कनेक्ट करके तो उसमें आपको वर्ब यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव वैल्यू कैरी कर रहा है, ना कि उसके अकॉर्डिंग जिसका निगेशन हो गया। ठीक है, इस बात को एग्जांपल से समझें। जैसे मैंने लिखा नॉट ओनली माय पेरेंट्स बट आल्सो माय ब्रदर वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, नॉट ओनली माय पेरेंट्स बट आल्सो माय ब्रदर वर प्रेजेंट देयर। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमने नॉट ओनली माय पेरेंट्स लिख दिया। ठीक है, तो पेरेंट्स का हो गया निगेशन। ठीक है, कि वी आर नॉट स्ट्रेसिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वी आर नॉट स्ट्रेसिंग देम, वी आर निगेटिंग देम, दे आर नॉट द मेन टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन। ठीक है, तो कन्वर्सेशन का मेन टॉपिक कौन हो गया, माई ब्रदर। ठीक है, तो वैसे तो आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि माई ब्रदर इज द मेन टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन, हेंस माई ब्रदर इज सब्जेक्ट। नॉट ओनली माई पेरेंट्स लिख देने से माई पेरेंट्स आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बट दे आर नॉट द मेन टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन। तो एक तो ऐसे ही पता चल गया कि माई ब्रदर सब्जेक्ट है, और नहीं तो देखो हमने माई पेरेंट्स के बाद में नॉट ओनली लिख के निगेट कर दिया, इनकी वैल्यू को निगेट कर दिया। ठीक है, तो अब इनकी सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं रही सेंटेंस में, अब सब्जेक्ट की वैल्यू रही माई ब्रदर की, तो ब्रदर के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वो आ जाएगा। तो मतलब हमें पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अब वर्ब यूज ही नहीं करनी है। ठीक है, माई ब्रदर के अकॉर्डिंग यूज करनी है। फिर हमने लिखा नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, नीदर का मीनिंग नेगेटिव होता है, नॉर इसका कोरिलेटिव होता है, लेकिन नॉर का मीनिंग नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीदर का नेगेटिव वैल्यू होती है लेकिन नॉर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, वो इसका कोरिलेटिव होता है। जैसे कई बार लोग होते हैं ना एनी को नेगेटिव समझ लेते हैं, कई बार बच्चे होते हैं एनी को नेगेटिव समझ लेते हैं, तो एनी एक्चुअली नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव के साथ में यूज किया जाता है। नेगेटिव एक नॉन असर्टिव वर्ड होता है, नॉन असर्टिव वर्ड होता है जिसका यूज हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, बट इट इज नॉट नेगेटिव इटसेल्फ, ये खुद नेगेटिव नहीं होता है। तो उसी तरीके से जो नॉर है ना, नॉर नेगेटिव नहीं होता है, नीदर नेगेटिव होता है, नॉर उसका कोरिलेटिव वर्ड होता है जो उसके साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने नीदर का यूज किया है यू के साथ, नॉर का यूज किया है योर फ्रेंड के साथ। तो ये जो यू है ये तो हो गया नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई क्योंकि इसका हमने नीदर लिख दिया। पॉजिटिव वैल्यू किसकी बची, योर फ्रेंड की, योर फ्रेंड के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करोगे तो इज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हम कई बार ना ऐसे बता देते हैं कि जैसे इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से हमें दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करना है तो वर्ब आप
बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज करें, ठीक है। लेकिन हालांकि वो उतना सही तरीका एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, आपको बात ये ध्यान रखनी है कि और नोर के केस में तो क्या होता है कि अल्टरनेटिव्स होते हैं वो दोनों, जिन्हें हमने और नोर से कनेक्ट कर रखा होता है, तो हमें वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में क्या होता है कि नॉट ओनली के साथ में लिखा गया जो नाउन प्रोनाउन होता है उसका निगेशन हो जाता है, तो वो हमारा मेन टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन रहता नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं यूज करते, वर्ब हम यूज कर लेते हैं जो बट ऑल्सो के साथ लिखा गया होता है बाद में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द टीचर एंड नॉट द स्टूडेंट्स हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नाउ सी, यहां पर हमने द टीचर लिखा, और अगर हम यहां पे नॉट ना लिखें, ऐसे लिखते हैं एंड द स्टूडेंट्स, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, तो ये हैव सही हो जाएगा, क्योंकि टीचर एक सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट हो गया, दोनों को एंड से जो कि एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है हमने कनेक्ट कर दिया। बट ऐसा है नहीं यहाँ पे, यहाँ पर क्या है कि हमने द टीचर यूज किया और उसके बाद में लिखा एंड नॉट द स्टूडेंट्स, तो एंड नॉट जो है ना, ये देखिए एंड जो होता है ये क्यूमुलेटिव है, मतलब ये कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसकी वैल्यू क्यूमुलेटिव होती है, कनेक्ट कर देता है, ठीक है, एक और एक मिला के दो कर देता है। लेकिन एंड नॉट जो होता है ये नेगेटिव है, इसका काम क्यूमुलेशन नहीं है, इसका काम निगेशन है। एंड नॉट को हम जिसके साथ लिख देंगे उसकी वैल्यू को निगेट कर देगा, तो यहाँ पे हमने द स्टूडेंट्स को निगेट कर दिया, मतलब इनकी वैल्यू नेगेटिव कर दी, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू रह गई टीचर की, तो टीचर हमारे सब्जेक्ट है, टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो हैज आ जाएगा, ठीक। तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में आपको ये भी ध्यान देना है कि द नाउंस और प्रोनाउंस निगेटेड, ठीक है, जो नाउन से प्रोनाउंस निगेट कर दिए जाते हैं इस तरीके से, जैसे एंड नॉट लिख दिया उनके साथ में, या नीदर लिख दिया इनके साथ में, या नॉट ओनली लिख दिया उनके साथ में, ठीक है, तो वो फिर उनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं यूज करनी है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है जो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू कन्वे कर रहा है या जो पॉजिटिव वैल्यू कैरी कर रहा है, जैसे यहाँ पे द टीचर, यहाँ पर योर फ्रेंड, और यहाँ पर माई ब्रदर, तो ये पॉजिटिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यू नेगेटिव हो गया उसके साथ नीदर लिख दिया, माई पेरेंट्स नेगेटिव हो गया उसके साथ नॉट ओनली लिख दिया, द स्टूडेंट्स नेगेटिव हो गए उनके साथ एंड नॉट लिख दिया, तो उनके अकॉर्डिंग फिर हमें वर्ब नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को एक साथ लिख रहे हैं किसी सेंटेंस में, उनमें से एक के साथ में हमने कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज यूज कर लिए जो उसकी वैल्यू को निगेट कर रहा है, और एक के साथ में नहीं यूज की, तो जिसके साथ में हमने नेगेटिव फ्रेज यूज कर ली है वो उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं यूज करनी है, फिर आपको वर्ब यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट्स यूजली टेक प्लुरल वर्ब्स। जो कंपाउंड सब्जेक्ट समझ रहे हैं ना आप, कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट ए हो गया और हमने एंड से जोड़ दिया इसके साथ में एक सब्जेक्ट और बी, तो एंड बी जो है ना ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, इसमें एक हो गया ए, एक हो गया बी, दोनों को एंड से कनेक्ट कर दिया, तो ए एंड बी जो है ये कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। मैं फिर से आपको देखो बता देता हूँ उसमें होता क्या, ये हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का लेक्चर 1, उसमें भी ये बात डिस्कस की है, बाकी आप एक बार समझ लो, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए एक सिंपल सब्जेक्ट है, बी एक सिंपल सब्जेक्ट है, तो ए और बी जो है ना ये अगर हम इनको अलग अलग यूज करें तो ये सिंपल सब्जेक्ट है। सिंपल सब्जेक्ट का मतलब विच रेफर्स टू अ सिंगल पर्सन, ठीक है, और थिंग। लेकिन अगर हम इन दोनों को एंड से कनेक्ट कर दें, एंड बी, तो फिर ये जो एंड बी हमारा बन गया ना, ये हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि अब सब्जेक्ट एक नहीं है, एक दो या दो से ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम कोई कंपाउंड सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो वर्ब यूज होती है वो जनरली प्लुरल यूज होती है, ठीक है। हालांकि हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, वो मैं भी आपको समझा दूंगा, अब इन एग्जाम्पल से समझें। यहाँ पर एक लैंग्वेज है हिंदी, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, और हमने इनको एंड से कनेक्ट कर दिया, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया हिंदी एंड इंग्लिश। इट मीन्स वी आर रेफरिंग टू बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी को भी रेफर कर रहे हैं, इंग्लिश को भी रेफर कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया कंपाउंड। अब ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब आप यहाँ पे आर लिखें, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि व्हेन वी कनेक्ट टू सिंगल सब्जेक्ट्स विद एंड, जब हम एंड से दो सिंगल सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर देते हैं देन वी हैव टू यूज अ प्लुरल वर्ब, तो हमें वहां पे उनके साथ में प्लुरल वर्ब यूज करनी पड़ती है क्योंकि सब्जेक्ट की वैल्यू प्लुरल हो जाती है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में हम देखें तो यहां पर हमने लिखा नो सिटी एंड नो विलेज। अब यहाँ पे एक चीज समझना, सिटी को भी हमने निगेट कर दिया, विलेज को भी निगेट कर दिया, इसके साथ नो लिख दिया, उसके साथ भी नो लिख दिया, तो हमने दोनों ही सब्जेक्ट्स अपने निगेट कर दिए, इनमें से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू कन्वे नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो नाउन से प्रोनाउंस नेगेट कर दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आप वर्ब ना यूज करें, वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज करें जो पॉजिटिव वैल्यू वहां पे एक्सप्रेस कर रहा है या जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखें तो पॉजिटिव वैल्यू किसी की भी नहीं है, सिटी के साथ भी नो लिख दिया, विलेज के साथ भी नो लिख दिया, दोनों नेगेटिव हो गए, तो अब हम क्या करें, वर्ब किसी के अकॉर्डिंग ना लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे आप बिना वर्ब के तो सब्जेक्ट यूज ही नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज अ वर्ब, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, ठीक है। मैं आपको इसको ना दो तरीके से समझा देता हूँ, दो तरीके से देखिए समझिए। एक तो
सिंपल तरीका क्या होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा होता है कि इंग्लिश में जो वन है इसकी वैल्यू होती है सिंगुलर। सपोज वी आर रेफरिंग टू वन पर्सन और वी आर रेफरिंग टू वन थिंग, देन इट्स नंबर इज सिंगुलर। अच्छा, व्हेन वी आर रेफरिंग टू मोर देन वन, ठीक है, जब हम एक से ज्यादा को रेफर कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है प्लुरल। इंग्लिश में नंबर्स ऐसे ही होते हैं ना भाई, वन का मतलब है सिंगुलर और प्लुरल का मतलब है मोर देन वन। एक से ज्यादा अगर है तो प्लुरल है और एक है तो वो सिंगुलर है। लेकिन अभी इसमें एक छोटी सी बात और समझना, सपोज अगर कुछ एक से कम है, 0.5 है, 0.75 है या फिर 0 है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वी आर रेफरिंग टू समथिंग विच हैज द वैल्यू ऑफ 0, जिसकी वैल्यू 0 है, जैसे नो सिटी की वैल्यू 0 है, ठीक है, या कोई मतलब ऐसा हम अमाउंट रेफर कर रहे हैं या कोई ऐसा मतलब हम डिग्री रेफर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो 1 है तो सिंगुलर है, मोर देन 1 है तो प्लुरल है। लेकिन अगर लेस देन 1 है तो क्या करोगे, लेस देन 1 है तो भी सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कुल मिला के बात ये पता है क्या है कि मोर देन 1 इज प्लुरल, जो एक से ज्यादा है वो प्लुरल है, बाकी सब सिंगुलर है। सबका मतलब है जो वन है वो खुद सिंगुलर है और वन से कम वैल्यू, वन से कम के नंबर जो है वो भी सिंगुलर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नो सिटी नो विलेज लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू 0, हम जिस सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 सिंगुलर होता है, 0 सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर हैज यूज कर लो। तो एक तो ये सीधा सा एक्सप्लेनेशन हो गया, बाकी मैं इसको ना आपको एक तरीके से और भी समझा देता हूँ। देखिए आप इसको ऐसे समझें, जैसे हिंदी सिंगुलर है इंग्लिश सिंगुलर है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, इंग्लिश की वैल्यू 1 हो गई, दोनों को हमने एंड से कनेक्ट किया तो इनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, जो कि मोर देन 1 है, प्लुरल है, तो हमने यहाँ पे वर्ब लिख दिया आर। अच्छा, यहाँ पे नो सिटी 0 है, क्योंकि नो सिटी की वैल्यू 0 है, नो विलेज की वैल्यू भी 0 है। अगर हम 0 को एंड से कनेक्ट भी करते हैं तो हमें पता है कि 0 की क्यूमुलेटिव वैल्यू 0 होती है, 0 को अगर हम किसी में भी ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज तो होती नहीं है, क्योंकि 0 कैरीज 0 वैल्यू, ठीक है, 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम 0 में 0 ऐड भी कर देंगे इट रिमेन्स 0 स्टिल, तो फिर भी ये 0 ही रहेगा। तो कुल मिला के ये जो हमारा नो सिटी है नो विलेज है, ये सब्जेक्ट तो कंपाउंड है क्योंकि हम सिटी और विलेज दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की वैल्यू 0 है। चूंकि इन दोनों की वैल्यू 0 है, आप इनको कितने भी टाइम जोड़ ऐड कर लो भाई, आप 1 को ऐड करोगे जितने टाइम्स, 1 की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, लेकिन आप 0 को कितना भी टाइम्स ऐड कर लो 0 की वैल्यू 0 ही रहनी है। तो जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है ना वो 0 है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल थी हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट की तो वर्ब हमने प्लुरल लिख दी, यहाँ पे हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट की क्यूमुलेटिव वैल्यू 0 है तो हम वर्ब सिंगुलर लिख रहे हैं, बिकॉज 0 इज सिंगुलर, ठीक है, लेस देन 1 इज सिंगुलर, मतलब जो 1 है वो भी सिंगुलर है, लेस देन 1 है वो भी सिंगुलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, यहां पर हमने लिखा ईच प्लेयर एंड ईच बोर्ड मेंबर। नाउ सी, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, बोर्ड मेंबर और प्लेयर ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके साथ आप ध्यान से देखो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का डिटर्मिनर ईच यूज कर रखा है। अच्छा, ईच एवरी जो होते हैं, ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हम तब करते हैं जब हमें किसी ग्रुप को किसी इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, ये बॉयज हैं, बहुत से बॉयज हैं और ये बॉयज का एक ग्रुप है और हम इस ग्रुप को रेफर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल बॉय, तो हम उस बॉय के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन का डिटर्मिनर लिख देंगे ईच बॉय। तो जब हम ईच बॉय लिख देंगे ना तो हमें ये पता चल जाएगा कि वी आर नॉट रेफरिंग टू अ सिंगल बॉय, वी आर रेफरिंग टू द ग्रुप ऑफ बॉयज, हम ग्रुप ऑफ बॉयज को रेफर कर रहे हैं और उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एक सिंगल यूनिट के थ्रू। जैसे बॉय है ना, ये सिंगल यूनिट है, सिंगुलर यूनिट है, तो अगर हम किसी सिंगुलर यूनिट के थ्रू किसी ग्रुप को रेफर कर रहे हैं तो हम उस सिंगुलर यूनिट के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनर होते हैं ईच एंड एवरी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम दो सिंगुलर नाउन्स के साथ में या एक सिंगल सिंगुलर नाउन के साथ में ईच एवरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो सिंगुलर वैल्यू, उनकी जो वैल्यू होती है वो सिंगुलर ही रहती है। ये जो वैल्यू है ना इसको हमें 1 कंसिडर करना पड़ेगा, यूनिट, क्योंकि ईच एंड एवरी का मतलब है यूनिट, कि आप ग्रुप को रेफर कर रहे हो यूनिट के थ्रू, तो यूनिट जो होती है वो सिंगुलर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगी। समझ रहे हैं यहां से क्या हो रहा है? यहां पर यह हो रहा है कि अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो प्लुरल हो जा रहे हैं और उनके साथ में हमें वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम उन्हीं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में ईच या एवरी यूज कर लें या हम उनके साथ में नो यूज कर लें तो उनकी जो मतलब क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है वो प्लुरल नहीं होती है और उस केस में आप उनके साथ में वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यूजली,
कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स यूजली टेक प्लुरल वर्ब्स, कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स के साथ में यूजली वर्ब प्लुरल यूज होती है, बट समटाइम्स कंपाउंड सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल नहीं हो पाती है, तो फिर उनके साथ भी वर्ब हमें सिंगुलर यूज करनी पड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, इसमें हमने लिखा द एक्टर एंड सिंगर वर रेडी बट द कैमरामैन वॉज एबसेंट। नाउ सी, यहां पर हमने एक नाउन लिखा एक्टर, यहां पर एक नाउन लिखा सिंगर, और इनके साथ उन्होंने आर्टिकल कॉमन कर दिया, द आर्टिकल लिखा है कॉमन, ठीक है। अब नाउन हमारे पास दो हैं, एक नाउन है एक्टर, एक नाउन है सिंगर, ठीक है, और इनके साथ में हमने क्या किया है, आर्टिकल कॉमन कर दिया। तो अगर आप लोग आर्टिकल का यूज थोड़ा बहुत समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे बैच में, ठीक है। हम अगर किन्हीं दो नाउन्स के साथ में आर्टिकल कॉमन करके लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो एक सिंगल पर्सन है जिसके लिए वो दोनों नाउन यूज किए जा रहे हैं। तो अगर हम द एक्टर एंड सिंगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्टर और सिंगर एक ही पर्सन है, ठीक है, ये दो पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन है, वही एक्टिंग कर रहा है, वही सिंगिंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देना, ये सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके थ्रू हम रेफर कर रहे हैं एक सिंगल पर्सन को, ना कि दो डिफरेंट पर्सन को। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट ही नहीं है, ये सिंपल सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है वैल्यू इसकी, और यहाँ पे आपको वर्ब लिखनी चाहिए वर्ब्स। लेकिन अब इसी को ना मैं थोड़ा सा मान लीजिए चेंज कर दूं और इसको ऐसे लिख दूं, द एक्टर एंड द सिंगर वॉज रेडी, सपोज हम ऐसे लिख दें, ओके। अब आप यहां पे देखेंगे हमने क्या किया, नाउन एक्टर है, नाउन सिंगर है, और दोनों नाउन्स के साथ में हमने डिटर्मिनर सेपरेट यूज किए हैं, सिंगर नाउन का डिटर्मिनर अलग यूज किया है, एक्टर नाउन का डिटर्मिनर अलग यूज किया है। तो अगर हम दोनों नाउन्स के डिटर्मिनर्स अलग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर नॉट रेफरिंग टू अ सिंगल पर्सन, वी आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट पीपल, हम दो डिफरेंट पीपल या टू डिफरेंट पर्सन को रेफर कर रहे हैं। तो इस केस में अब ये कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया और इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल हो गई, ठीक है। तो अब इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल हो गई तो इसके साथ में वर्ब हमें प्लुरल लिखनी पड़ेगी, वर्ब। तो यहाँ पे ये छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है, द एक्टर एंड सिंगर कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। द एक्टर एंड द सिंगर जो है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल है, तो इसके साथ हमने वर्ब लिख दिया। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर हम कभी किन्हीं दो नाउन्स को जो सिंगुलर हो एंड से कनेक्ट कर रहे हैं और हम उनके साथ में डिटर्मिनर कॉमन लिख रहे हैं, आर्टिकल कॉमन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों नाउन किसी एक सिंगल पर्सन को रेफर कर रहे हैं, दे आर नॉट रेफरिंग टू टू डिफरेंट पर्सन, वो डिफरेंट पर्सन को नहीं एक कॉमन पर्सन को रेफर कर रहे हैं। तो उस केस में वो सिंगल सब्जेक्ट या सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा, वो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं होगा और उसके साथ में वर्ब सिंगुलर लिखें, ठीक है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, द एक्टर एंड एक्ट्रेस हैव सम सजेशंस अबाउट दिस स्टोरी। अब यहां पर भी देखिए वही है, जैसे यहां पे एक्टर एंड सिंगर था तो यहां पे एक्टर, एक मिनट, जैसे यहां पर एक्टर एंड सिंगर था तो यहां पर एक्टर एंड एक्ट्रेस है, तो और आर्टिकल कॉमन है, यहां पर भी आर्टिकल कॉमन था, यहां पर भी आर्टिकल कॉमन था। तो जब आर्टिकल कॉमन होता तो हम ये मान लेते हैं कि बोथ दिस नाउन्स आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, ये दोनों नाउन एक ही पर्सन है, एक ही थिंग को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही पर्सन है, एक ही थिंग को रेफर कर रहे हैं, तो ये सिंपल सब्जेक्ट हो गया, सिंपल सब्जेक्ट है, सिंगुलर वैल्यू है इसकी, तो हमने वर्ब सिंगुलर यहाँ पे लिख दी वॉज। वही बात हमें यहाँ पर भी मान लेनी चाहिए कि भाई एक्टर और एक्ट्रेस दो नाउन है लेकिन इनके साथ आर्टिकल कॉमन लिखा है, तो आर्टिकल कॉमन लिखने का मतलब ये हो गया कि एक ही पर्सन है, तो वर्ब हमें यहाँ पर हैव की जगह हैज लिख देना चाहिए। लेकिन फिर जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, लॉजिक्स 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 डोमिनेट लैंग्वेज, ठीक है। देखिए भाषा जब हम कुछ सीखते हैं तो एक तो उसके जो स्टैंडर्ड यूसेस होते हैं, ठीक है, वो हमें सीखने पड़ते हैं कि भाई इसकी ग्रामर कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या पॉसिबल फीचर्स होते हैं नाउन वर्ड्स के, क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, एक तो आप उनके अकॉर्डिंग मतलब आप लैंग्वेज सीखते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप एक सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फिर ये भी देखना होता है कि व्हाट इज बीइंग सेड, जो भी कहा जा रहा है या जो भी बताया जा रहा है, इज दैट लॉजिकल, डज इट मेक एनी लॉजिक। अगर वो लॉजिकल है तो आपका सेंटेंस सही है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो लिखा है वो ग्रामेटिकली बहुत अच्छा है बट दैट इज नॉट लॉजिकल, तो वो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होने के बावजूद भी गलत माना जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ना, इसका प्रॉब्लम यही है, अगर हम यहाँ पर हैज लिख दें तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो हो गया सही, ठीक है, बट ये लॉजिक नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि एक्टर और एक्ट्रेस एक ही पर्सन है, कि जो सेम पर्सन है वही एक्टिंग कर रहा है, मतलब वही हीरो है वही हीरोइन है, एक्टर भी वही है एक्ट्रेस भी वही, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे एक कमल हसन की मूवी है चाची 420, तो उसमें कमल हसन ने क्या किया, मतलब एक मतलब दूसरा रोल भी किया एक फीमेल का, ठीक है, लेकिन उसमें एक्ट्रेस कमल हसन नहीं है, कमल हसन तो एक्टर है, एक्ट्रेस उसमें तब्बू है, ठीक है।
मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मूवी में ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक्टर एक्ट्रेस है वो एक ही पर्सन दोनों का रोल प्ले करे, ठीक है। हाँ, वो अलग बात हो सकता है कि ही मे हैव सम डिसगाइज, उसका कोई मतलब दूसरा रूप वगैरह हो सकता है, बट लेकिन एक्ट्रेस हमेशा कोई दूसरा ही होगा पर्सन, ठीक है। तो ये तो चलो पॉसिबल है कि एक्टर और सिंगर एक पर्सन है, बहुत होते हैं ऐसे, ठीक है, जो एक्टिंग भी कर लेते हैं अपना, सिंगिंग भी कर लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी अपना कर लेते हैं, किशोर कुमार जी अपना क्या करते थे, एक्टिंग भी करते थे, सिंगिंग भी कर लेते थे, ठीक है, और बेसिकली तो वो सिंगर ही थे, एक्टिंग भी हाथ अजमा लेते थे उसमें। हिमेश रेशमिया है, ठीक है, और सोनू निगम ने भी मुझे लगता है एक दो तो मूवीज में एक्टिंग की है, और आपका क्या नाम ये आयुष्मान खुराना है, आयुष्मान खुराना भी सिंगिंग कर लेते हैं, और अभी अपने हाल फिलहाल में सलमान भाई को भी बुखार चढ़ गया कि हम भी लाओ सिंगिंग कर लें, ठीक है, तो उन्होंने भी कर ली। मतलब ऐसा नॉर्मल है, ऐसा काफी होता है कि एक्टर और सिंगर एक होते हैं, लेकिन एक्टर और एक्ट्रेस एक नहीं होते। तो इस केस में आप वर्ब को ना चेंज करें, इस केस में आप सेपरेट डिटर्मिनर यूज करें, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा द एक्टर एंड द एक्ट्रेस हैव सम सजेशंस, ठीक है, और इसमें लिखना द एक्टर एंड सिंगर वॉज रेडी। तो मतलब लॉजिक जो है ना उसको भूलना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं हम रूल्स के चक्कर में ऐसा खो गए कि हमने दिमाग यूज करना ही बंद कर दिया। यू हैव टू यूज योर माइंड एट एवरी स्टेप, दिमाग तो हर समय यूज करना है, भले ही आपका रूल सही फिट हो रहा है, मतलब आप जो रट्टा मारे बैठे हैं, जो रूल आपने याद कर लिया है, उस रूल का आपका सही यूज हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू थिंक आफ्टर यूजिंग द रूल, जो भी आपने रूल वगैरह रट्टा मारा है उसके बाद में फिर भी दिमाग लगाकर एक बार उसको समझना चाहिए कि जो हमने ये लिख दिया या हमने कह दिया या जो हमने करेक्शन कर दिया, अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। सिंपल सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब, ऑफ कोर्स भाई, अब देखो यहाँ पे यूजली नहीं लिखा, ध्यान देना, यहाँ पर यूजली का यूज नहीं किया गया, ठीक है, बिकॉज इट इज फैक्ट, इट इज डेफिनेट, ठीक है, कि सिंपल सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब। सिंपल का मतलब हम सिंगुलर कह रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एक सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट का मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट जो किसी एक, मतलब सिंपल क्या है, यहाँ पे सिंगुलर लिखना चाहिए था, लेकिन आप समझना, ठीक है। अगर हम किसी एक सिंगल थिंग या कि एक सिंगल पर्सन को रेफर कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो उसके साथ तो वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने लिखा था हेयर एंड द टॉर्टॉइज आर स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग किड्स, अब हमें देख के लगेगा कि एक नाउन हमने लिखा हेयर, एक नाउन हमने लिखा टॉर्टॉइज, दोनों के साथ हमने डिटर्मिनर अलग अलग लिखे, तब तो ये वही वाली सिचुएशन हो गई, द एक्टर एंड द एक्ट्रेस वाली, तब तो यार सही होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, यहाँ देखो पहली बात है टी कैपिटल लिखा, ये एच कैपिटल लिखा, ठीक है, तो अगर ये टी और एच कैपिटल लिखे तो आप मान के चलो कि ये प्रॉपर नाउन है कोई। अच्छा, जो बच्चे पहले से जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ, द हेयर एंड द टॉर्टोइज जो है ना, ये एक टाइटल है, एक फेबल है, बच्चों की कहानियों मतलब कहानी है, कछुआ और खरगोश की कहानी होती है ना, हिंदी में भी आती है कि कछुआ होता है और खरगोश होता है, ठीक है, तो उसमें खरगोश अपना मतलब जोश में आ जाता है, कहता है कछुए तू तो कुछ भी नहीं चल पाता, मैं तेरे से तेज भाग लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, एक्टिंग बाजी अपनी, ठीक है, तो मतलब उसको मतलब उसको शर्मिंदा करने के लिए कछुए को उसको चैलेंज करता है कि मेरे साथ रेस लगा के देख ले, कछुआ भी अपना जोश में आ जाता है, वो भी कहता है चलो भाई ठीक है आ जाओ, ठीक है, फिर क्या होता है खरगोश बहुत तेज भागता है, वो पता चला 5 मिनट में बहुत आगे निकल गया, तो वो सोचता है भाई इतना आगे निकला है कछुए को तो आने में यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, तो सो जाता है, ठीक है, सो जाता है, तो उसको मतलब क्योंकि दौड़ के आया होता है, शरीर थका हुआ होता है, पेड़ की छांव में लेटता है, तो उसको गहरी नींद आ जाती है, फिर उसकी नींद नहीं खुलती, तब तक कछुआ अपना चलता रहता है, जीत जाता है, ठीक है। खैर, ये बात मैं तुम्हें नहीं बताता, तब भी तुम थोड़ा ये कहानी जानते होगे, ठीक है। तो ये जो द हेयर एंड द टॉर्टोइज है ना, ये वही एक फेबल का टाइटल है, तो यहाँ पे हम कछुए को और खरगोश को रेफर नहीं कर रहे, हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं द स्टोरी, ये प्रॉपर नाउन है द हेयर एंड द टॉर्टोइज, तो ये रेफर कर रहे हैं स्टोरी को, ये टाइटल ऑफ द स्टोरी है, अगर ये टाइटल ऑफ द स्टोरी है तो इसकी वैल्यू तो सिंगुलर हो गई। तो यहाँ पे ध्यान देना, द हेयर एंड द टॉर्टोइज कोई कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ पे हेयर और टॉर्टोइज दो को रेफर नहीं कर रहे, हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं टाइटल ऑफ द स्टोरी, कि जो टाइटल है स्टोरी का द हेयर एंड द टॉर्टोइज, हम उसे रेफर कर रहे हैं, तो ये सिंपल सब्जेक्ट है जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, द स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द हेयर एंड द टॉर्टोइज हैव डिसाइडेड टू हैव अ रेस्ट, अब जो हेयर और टॉर्टोइज हैं उन्होंने मतलब डिसाइड कर लिया चलो भाई रेस लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एच स्मॉल है, टी स्मॉल है, ठीक है, तो इसका मतलब इट इज नॉट द टाइटल ऑफ द स्टोरी, क्योंकि अगर टाइटल ऑफ द स्टोरी होता तो ये प्रॉपर नाउन होता और ये एच और टी कैपिटल लिखे होते हैं। अच्छा, दूसरा बात, ये जो हमने प्रेडिकेट लिखा हैव डिसाइडेड टू हैव अ रेस, तो ऑब्वियस बात है ये डिसीजन लिया होगा हेयर एंड टॉर्टोइज ने, ना कि स्टोरी ने, तो जो प्रेडिकेट होता है ना, प्रेडिकेट से भी हम रिलेट करके समझ जाते हैं सब्जेक्ट क्या है। अब जैसे हमने लिखा इज स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग किड्स, तो ये बात कही जा रही है स्टोरी के बारे में, तो ये स्टोरी हो गया। हैव डिसाइडेड टू हैव अ रेस, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब रेस करेंगे, ठीक है, तो
तो ये डिसाइड स्टोरी ने नहीं किया होगा, ये डिसाइड किया होगा इन दोनों ने। ठीक है, तो ये जो द हेयर एंड द टॉर्टोइज है ना, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। इसमें हम दो को रेफर कर रहे हैं, एक हेयर को रेफर कर रहे हैं और एक टॉर्टोइज को रेफर कर रहे हैं, एंड से इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल हो गई। तो ये जो हमने हैव लिखा है सही है। ठीक है, तो ये सिंपल सब्जेक्ट है, ये सिंपल नहीं है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब यहां पर हमने क्या लिखा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। ये फर्स्ट ब्रेड का तो बी कैपिटल लिखना ही है क्योंकि इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, लेकिन बटर जो है उसका हमने बी स्मॉल लिखा है दोनों में। ठीक है, अच्छा, डिटरमिनर्स का भी कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, डिटरमिनर ना हमने यहां लिखा ना यहां लिखा। अब देखो यहां पे समझो, हमने लिखा ब्रेड एंड बटर हैज बीन माई फेवरेट ब्रेकफास्ट सिंस चाइल्डहुड। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये जो बीन हमने लिखा ना, ये लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद में हमने लिखा माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो लिंकिंग वर्ब उसके बाद में हम लिखते हैं नाउन प्रोनाउंस, वो हमारे सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, मतलब वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब जो माय फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना, ये ब्रेड एंड बटर है, या यूं कह लो कि ब्रेड एंड बटर जो है वो ब्रेकफास्ट है। तो हम यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को टू डिफरेंट थिंग्स ना कंसीडर करके ब्रेड एंड बटर को ब्रेकफास्ट कंसीडर कर रहे हैं। मतलब ब्रेड एंड बटर का कॉम्बिनेशन होता है ना भाई, आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं केवल बटर खा लिया है, केवल ब्रेड खा लिया, यू नीड बोथ द थिंग्स। तो ये जो ब्रेड एंड बटर है उनका कॉम्बिनेशन जो है उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को हम सेपरेटली रेफर नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेड एंड बटर का जो कॉम्बिनेशन है जिसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है उसे रेफर कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू सिंगुलर हो गई, ये है सही हो गया। अच्छा, ये आपका ध्यान रखना, ये सिंपल सब्जेक्ट की कैटेगरी में चला गया। यहाँ पे हमने लिखा ब्रेड एंड बटर हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। अब देखिए, ब्रेड एंड बटर तो कमोडिटीज हैं, खरीदी बेची जाती हैं। अब हम कह रहे हैं कि दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, कि मतलब इन पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ब्रेड एंड बटर खरीदने बेचने में आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अब देखो, ऐसा नहीं कि ब्रेड एंड बटर को जब हम एक साथ में खरीदेंगे तभी हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। टैक्स एग्जेम्पशन आपको तब भी मिलेगा जब आप केवल ब्रेड परचेस करोगे। ठीक है, अब टैक्स एग्जेम्पशन आपको तब भी मिलेगा जब आप केवल बटर परचेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है ना, वो दो डिफरेंट कमोडिटीज हैं और उन दोनों का कॉमन प्रेडिकेट ये है कि दोनों को टैक्स एग्जेम्पशन है। बट ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू टू थिंग्स, वन ब्रेड एंड वन बटर। ठीक है, एंड बोथ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, दोनों ही टैक्स एग्जेम्पशन। तो ऐसा नहीं कि इनके कॉम्बिनेशन को टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है, टैक्स एग्जेम्पशन दोनों पे सेपरेट भी अप्लाई करेगा। ठीक है, तो अब ये प्लूरल है और हैव आ गया। तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है, यहां पर ब्रेड एंड बटर का मतलब ब्रेकफास्ट है, यहां पर ब्रेड एंड बटर का मतलब ब्रेकफास्ट नहीं है। तो यहां पर हम ब्रेड एंड बटर के कॉम्बिनेशन को रेफर कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया सिंगुलर। लेकिन यहां पर हम ब्रेड एंड बटर के कॉम्बिनेशन को रेफर नहीं कर रहे, अगर ये सेपरेट होंगे ब्रेड एंड बटर तब भी ये इफेक्टिव होगा एग्जम्पशन। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमने वर्ब हैव लिख दी, ये कॉम्बिनेशन था तो यहाँ पर हमने वर्ब हैज लिख दी। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, ये सब डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। सेंटेंस है, सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश करोगे तो ये बात समझ में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा फ्लेश एंड ब्लड आर वेरी लाइकली टू बी ससेप्टेबल टू फ्लैटरी। अब देखिए, आप में से जो बच्चे जानते हैं ठीक है, नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ। फ्लेश एंड ब्लड एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर। तो जैसे हमने लिखा ना, फ्लेश एंड ब्लड आर वेरी लाइकली टू बी ससेप्टेबल टू फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब चापलूसी। अब ये जो प्रेडिकेट है ना, इससे रिलेट करके पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि चापलूसी किसकी की जाती है। जैसे फ्लैश है, ब्लड है, उसके तो कोई चापलूसी नहीं करता भाई। मान लीजिए किसी किसी पैकेट में ब्लड है, ओ पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या जो भी है, मतलब ठीक है, तो उसकी जगह तो चापलूसी कोई नहीं करेगा, फ्लैश की चापलूसी कोई नहीं करेगा। यहां पर हम कह रहे हैं फ्लैश एंड ब्लड, तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब है ह्यूमन नेचर, मतलब आम इंसान जो होता है ना वो ससेप्टेबल होता है कि आप उसकी चार चापलूसी कर लो ना तो फिर आपको अच्छा मानने लग जाता है। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत फेवर भी कर देगा। ठीक है, कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो, ये है वो है। ठीक है, तो हो सकता है वो आपको थोड़ा फेवर भी कर दे। ठीक है, तो मतलब जो आम इंसान होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि वो ससेप्टेबल टू फ्लैटरी होता है। ठीक है, तो ये जो फ्लैश एंड ब्लड है ना, इसमें हमने क्या किया, फ्लैश और ब्लड दो नाउन्स को जो कि सिंगुलर है एंड से कनेक्ट कर दिया। तो हमने पढ़ा कि अगर हम दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से कनेक्ट कर देंगे तो उनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल हो जाएगी और उनके साथ वर्ब हमें प्लुरल लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान ही देना, ये जो फ्लैश एंड ब्लड हमने लिखा है ना, एक्चुअल में हम फ्लैश और ब्लड को नहीं रेफर कर रहे हैं, हम फ्लैश एंड ब्लड का मतलब यहाँ पे ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल सब्जेक्ट है जो एक ही चीज को रेफर कर रहा है, ह्यूमन नेचर को, क्योंकि ये इडियम होता है फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब यही होता है, तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी इज।
तो देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, हम पढ़ ही है रहे हैं कि जब हम दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से कनेक्ट कर देते हैं तो वो उनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल हो जाती है और आपको वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किन किन कंडीशंस में ऐसा नहीं होता वो मैं आपको यहाँ पे देखो समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमने दो सिंगुलर नाउन्स को किसी एंड से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, लेकिन वो कोई इडियम है, उनका कोई मीनिंग सिंगुलर होता है, जैसे फ्लेश एंड ब्लड मैंने यहाँ पे लिखा। एक इडियम मैं आपको ऐसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लेश एंड ब्लड होता है, एक इडियम होता है आपने पढ़ा होगा सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस ऑफ समथिंग। तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है जिस्ट, तो ये इडियम है सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब होता है जिस्ट। ठीक, तो अगर मान लीजिए हम कभी किसी दो वर्ड को एंड से यूज करके एज एन इडियम यूज कर रहे हैं, एज एन इडियमेटिक एक्सप्रेशन उन्हें यूज कर रहे हैं, तो उनका रेफरेंस सिंगुलर हो जाएगा, तो रेफरेंस सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। या फिर अगर हम किन्हीं दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि एक कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तो अगर हम दो या दो से ज्यादा नाउन्स के कॉम्बिनेशन को रेफर कर रहे हैं, तो अगर हम दो या दो से ज्यादा नाउन को एंड से कनेक्ट कर दें लेकिन हम उनको सेपरेट ना यूज करके उनका जो कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है उस कॉम्बिनेशन को रेफर करें, तो वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कोई टाइटल है जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं, तो टाइटल्स जो होते हैं उनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू हमेशा सिंगुलर ही होती है। ठीक है, टाइटल्स प्रॉपर नाउन होते हैं, वो प्लुरल हो नहीं सकते, तो भी हमें उनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। तो ये कुछ यूसेस होते हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए यहां पे हमने लिखा अ वीक एंड ओल्ड मैन वर वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले इसी को समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है। आप यहाँ पे देखेंगे हमने एंड का यूज किया है, लेकिन एंड का यूज हमने नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए नहीं किया है, एंड का यूज हमने एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करने के लिए किया है। एक एडजेक्टिव है वीक, एक एडजेक्टिव है ओल्ड, और ये दोनों एडजेक्टिव मैन नाउन के लिए यूज किए जा रहे हैं, और ये डिटर्मिनर हो गया मैन नाउन का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट पार्ट है उसमें हमने एंड कंजंक्शन का यूज किया है, लेकिन एंड कंजंक्शन का यूज नाउन्स को कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, एंड कंजंक्शन की मदद से यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स को कनेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव हो गया वीक, एक एडजेक्टिव हो गया ओल्ड, और ये दोनों एडजेक्टिव एक नाउन मैन के लिए यूज हो रहे हैं। अब देखो ये जो मैन हमने यूज किया ये नाउन सिंगुलर है, भाई मैन होता तो प्लुरल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैन नाउन सिंगुलर है, अब उसी नाउन के लिए हम ये एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, उसी नाउन के लिए हम ये एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। तो होता क्या है कि वर्ब हमें यूज करनी पड़ती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते नहीं। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, नाउन है, उसको हमने एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज कर लिया। अब हम उसके साथ में एडजेक्टिव एक यूज करें, हजार यूज करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो मैन है वो एक है, सिंगुलर है, तो वही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ना कि उसके एडजेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। अब एडजेक्टिव दो यूज कर लो या 200 यूज कर लो, नहीं फर्क पड़ता, ये जो मैन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करो, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज। अ वीक एंड ओल्ड मैन वॉज वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब जो मैन है ना, जो वेट कर रहा था प्लेटफॉर्म पे, वो वीक भी है और ओल्ड भी है, ये दोनों उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमें वर्ब एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग नहीं यूज करनी है, हमें वर्ब मैन के अकॉर्डिंग यूज करनी है, जो कि एक्चुअल हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं, अ यंग एंड ओल्ड मैन वॉज वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म। अच्छा, द सेम सिचुएशन हियर, सेम सिचुएशन यहाँ भी है। मैन एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है ओल्ड, और एक एडजेक्टिव है यंग, और दोनों एडजेक्टिव को हमने एंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर वही लॉजिक हमारा अप्लाई करना चाहिए, भाई अगर आप एक सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हो उसके लिए एडजेक्टिव आप दो यूज करो या 200 यूज करो, क्या फर्क पड़ता है, आपको वर्ब सिंगुलर लिखनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमारा सही होना चाहिए, वॉज यहाँ पर सही होना चाहिए, लेकिन फिर द प्रॉब्लम लॉजिक। आप लॉजिक को डिफाइन नहीं कर सकते ना, आप ग्रामर सही करने के चक्कर में लॉजिक को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लॉजिक तो मतलब फॉलो होना चाहिए, हर हालत में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इस सेंटेंस को सही मान लें उस सेंटेंस के जैसे, तो जैसे यहाँ पे ये हो गया कि वो जो मैन था वो वीक भी था और ओल्ड भी था। ठीक है, उसी तरीके से हमें ये मानना पड़ेगा कि वो जो मैन वहां पे वेटिंग कर रहा था प्लेटफॉर्म पे वो ओल्ड भी था यंग भी था। नाउ इट इज एब्सर्ड, ये बकवास है, ऐसे नहीं होता। एक मैन या तो ओल्ड है या फिर यंग है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वही मैन ओल्ड भी है वही मैन यंग भी है। ठीक है, द सेम पर्सन कैन नॉट बी बोथ ओल्ड एंड यंग। तो इट मीन्स वी आर नॉट रेफरिंग टू अ सिंगल पर्सन, वी आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट पर्सन, हम दो डिफरेंट पर्सन को रेफर कर रहे हैं, एंड ऑफ दिस टू डिफरेंट पर्सन वन इज यंग एंड वन इज ओल्ड, एक इनमें से यंग है और एक इनमें से ओल्ड है। तो अब आपको पता क्या है, अगर हम अ वीक एंड एंड ओल्ड मैन लिख रहे हैं, अ वीक एंड ओल्ड मैन, तो ये सही है, इसका मतलब ये हो गया कि द सेम पर्सन इज वीक एंड ओल्ड बोथ। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं यंग एंड ओल्ड मैन, तो हम ये बात नहीं कह सकते कि जो यंग और ओल्ड है दैट इज द सेम पर्सन, दैट कांट बी द सेम पर्सन, दिस मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अगर आप वर्ब को बहुत सही मान लेंगे ना, तो ये सेंटेंस आपका गलत रहेगा। अब इसको सही करने का तरीका देखिए क्या है, इसको सही करने का तरीका ये है कि जब आप जान गए हो कि वी आर रेफरिंग टू डिफरेंट मैन, आप दो डिफरेंट मैन की बात कर रहे हो, तो आप इनके डिटर्मिनर सबसे पहले सेपरेट करो।
जैसे यहाँ पे अंग लिखे ना, वैसे आप यहाँ पे लिखे एन ओल्ड मैन। अच्छा, इफ यू वॉन्ट टू बिकम मोर क्लियर, आप और क्लियर करना चाहते हो सिचुएशन को, तो जैसे यहाँ पे एन ओल्ड मैन लिखा है, वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे यंग मैन भी लिख सकते हो। अदरवाइज मैन कुड बी अंडरस्टूड, आप चाहो तो मैन को अंडरस्टूड भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे मैन लिखना कंपलसरी नहीं है, बट ये एन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि जब हम दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स लिख देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पे एन लिख देंगे, तो दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स लिख देने से क्लियर हो जाएगा कि वी आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट पर्सन्स, नॉट अ सेम पर्सन। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे यंग एंड एन ओल्ड मैन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वी आर रेफरिंग टू 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 डिफरेंट मैन, ऑफ दोज टू डिफरेंट मैन वन इज यंग एंड वन इज ओल्ड, दैट इज लॉजिकल। ओके, अब जब हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट कंपाउंड हो गया, कंपाउंड किस लिए हो गया, बिकॉज यू आर रेफरिंग टू टू पर्सन, यू आर रेफरिंग टू टू पर्सन, तो ये कंपाउंड हो गया सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट आपका कंपाउंड हो गया, देन यू मस्ट यूज अ प्लुरल वर्ब, देन यूज वर्ब। ठीक है, खैर अब क्या कहने। तो ये छोटी छोटी बातें ना आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि मोस्ट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ज्यादातर बातें कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता कि हमने एक सर्टेन पैटर्न, जैसे कई बार आप देखते हैं कि बच्चों को एलजेब्रा के फॉर्मूला में या रूल के फॉर्मूला में इंग्लिश पढ़ा दी जाती है, दिस प्लस दैट इक्वल्स दैट माइनस दैट गुणा दैट डिवाइडेड बाई दैट। ठीक है, ये बदतमीजी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये केवल एक लेवल तक काम करता है, उसके आगे सब जाके फेल हो जाता है। उसके आगे काम करता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके लॉजिक्स, ठीक, आपकी समझ, तो उस पर भी काम करते रहो। जब कोई आप चीज सीखते हो, चाहे आप मैथ सीखते हो, साइंस सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो, ऑब्वियस बात है कुछ भी सीखते हो, तो उसमें याद करने का जो कॉम्पोनेंट है ना वो कम होता है, हमेशा समझने का कॉम्पोनेंट ज्यादा होता है। तो आप समझने पर ज्यादा स्ट्रेस करें, ये नहीं कि यू हैव सिंपली जस्ट रिमेंबर द थिंग्स और द फैक्ट्स और द रूल्स और द पैटर्न्स, दे वॉन्ट वर्क इन द लॉन्ग रन। ठीक है, वो हमेशा काम नहीं करेंगे, हमेशा काम क्या करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके बेसिक्स, आपके लॉजिक्स। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, चलिए थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमने लिखा प्योर एंड इम्प्योर वाटर हैज डिफरेंट नेचुरल डिफरेंट कलर शेड्स। नाउ सी, वी हैव यूज्ड अ नाउन हियर वाटर, एंड वी हैव यूज टू एडजेक्टिव्स, वन इज प्योर एंड वन इज इम्प्योर। नाउ सी, अब होता क्या है कि हमने नाउन एक यूज किया वाटर, और उसके लिए दो एडजेक्टिव यूज किए, प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, नाउन के एडजेक्टिव्स नहीं होते। देन वी हैव टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द नाउन, नॉट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम एक नाउन के लिए एडजेक्टिव 5 यूज कर लें, 50 यूज कर लें, 5,000 यूज कर लें, वो आपकी मर्जी, आप कितने भी यूज कर लो, लेकिन जो नाउन का नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नाउन जो है वो हमारा वाटर है, विच इज सिंगुलर इन नंबर, ये सिंगुलर नंबर का है। ठीक है, तो हमें वाटर के अकॉर्डिंग हैज वर्ब यूज करनी चाहिए, जो कि सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने हैज यूज कर रखा है, तो ये सेंटेंस हमें सही लगेगा और सही होना चाहिए, क्योंकि नाउन एक है, एडजेक्टिव दो है, नाउन एक है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हैज आ गई। बट फिर वही लॉजिक्स। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को सही मान लें, तो हमें इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि प्योर एंड इम्प्योर इज द सेम वाटर, मतलब जो वाटर है सेम वाटर ही प्योर भी है इम्प्योर भी, एंड वी नो दैट इज इट नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, इधर इट शुड बी प्योर और इट शुड बी इम्प्योर, ऐसा नहीं हो सकता कि द सेम वाटर इज प्योर एंड इम्प्योर बोथ। तो इसका मतलब अगर हम प्योर और इम्प्योर ये दोनों एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं ना एक साथ में, तो ये दोनों एडजेक्टिव किसी सेम थिंग को रेफर नहीं कर सकते, दिस मस्ट रेफर टू टू डिफरेंट थिंग्स, ये हमेशा ही दो डिफरेंट थिंग्स को रेफर करेंगे, दिस कैन नॉट बी रेफर टू द सेम थिंग। तो इसका मतलब हम एक टाइप के ऑफ वाटर की नहीं बात कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग टू टू टाइप्स ऑफ वाटर, वन ऑफ दोज इज प्योर एंड वन ऑफ दोज इज इम्प्योर। अच्छा है क्या, वो जो हमने पहले वाला वाटर है ना वो यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड। हालांकि वो लिखना कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो प्योर वाटर एंड इम्प्योर वाटर, नहीं तो आप वाटर को अंडरस्टूड रहने दो, प्योर एंड इम्प्योर एडजेक्टिव है, उनसे अपने आप ही इतना पता चल जाएगा कि यू आर नॉट रेफरिंग टू द सेम थिंग, यू आर रेफरिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। तो प्योर वाटर एंड इम्प्योर वाटर ये तो सिंगुलर नाउन हो गए, आपने इनको एंड से कनेक्ट कर दिया, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, इनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल हो गई, इनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू प्लुरल हो गई, तो आपको वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ेगी है। सो दिस इज द आंसर। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, ये सब ध्यान रखना, उसका रिविजन करना। ठीक है, नेक्स्ट, कमल्स एंड सरल्स फ्रेंडशिप इज लाइक दैट ऑफ जय एंड वीरूज। अब यहां पर ध्यान से समझे, हमने फ्रेंडशिप एक नाउन यूज किया जो कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, और हमने दो नाउन्स और यहाँ पर यूज किए, एक कमल्स और एक सरल्स। अच्छा, कमल्स एंड सरल्स जो है वो पजेसिव केस के नाउन्स हैं, आपको हमेशा, मतलब कई बार पहले भी समझाया जा चुका है, और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इन नॉमिनेटिव केसेस,
सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इन नॉमिनेटिव केसेस, सब्जेक्ट्स हमेशा नॉमिनेटिव केसेस में होते हैं, पजेसिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस, अवोकेटिव केसेस, ये आपके सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो सरल से कम्मल से लिखा ना, ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लिखनी चाहिए, इज सही है, बट देर इज सम अदर प्रॉब्लम यार, यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने कमल से सरल फ्रेंडशिप लिखा है ना, क्योंकि हमें पता है कि फ्रेंडशिप इज अ कॉमन एट्रीब्यूट, इट इज अ रिलेशन, अ सिंगल पर्सन कांट हैव फ्रेंडशिप, देयर मस्ट बी समबडी एल्स, ठीक है। सो फ्रेंडशिप इज द नेम ऑफ रिलेशन, तो ये रिलेशन इन दोनों का है, कमल एंड सरल का। तो इसका मतलब जो फ्रेंडशिप हम यहाँ पे पोजेशन यूज कर रहे हैं, ये कॉमन पोजेशन है दोनों का, सरल का भी और कमल का भी। तो अगर ये कॉमन पोजेशन है, देन यू डोंट हैव टू यूज टू डिफरेंट पोजेसिव केसेस, अ सिंगल पोजेसिव केस वुड सफाइस। तो आप एक सिंगल पोजेसिव केस यूज करो, पोजेशन के नियरेस्ट लिखा गया जो वर्ड है सरल है, पोजेशन के नियरेस्ट लिखा गया वर्ड सरल है, तो आप सरल के साथ में अपोस्ट्रॉफी का यूज करें, कमल के साथ में अपोस्ट्रॉफी का यूज ना करें, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देनी है, इफ इट वुड बी डिफरेंट पोजेशन, अगर ये दोनों का सेपरेट पोजेशन होता, ठीक है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये दोनों का सेपरेट पोजेशन होता तो फिर आपको वर्ब सेपरेट लिखनी पड़ती, मतलब आपको पोजेसिव केस सेपरेट लिखना पड़ता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने लिखा, कमल इन सरल्स लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप्स। नाउ हमें पता है कि लाइफ कांट बी द कॉमन एट्रीब्यूट, फ्रेंडशिप कुड बी कॉमन एट्रीब्यूट, फ्रेंडशिप कुड बी शेयर्ड पोजेशन, फ्रेंडशिप एक शेयर्ड पोजेशन हो सकता है कि कमल एंड सरल शेयर द रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप, बट लाइफ को हम इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, कमल का अपना लाइफ होगा, सरल का अपना लाइफ होगा, तो ये पोजेशन कॉमन नहीं, सेपरेट है। तो अगर ये पोजेशन सेपरेट है, ठीक है, तो आप सेपरेट पोजेसिव केस यूज करो, आप इसको ऐसे यूज करें, कमल्स एंड सरल्स। तो कमल्स के साथ में भी अपोस्ट्रॉफी का यूज करें, कम और सरल के साथ में भी अपोस्ट्रॉफी का यूज करें, बिकॉज दिस टाइम द पोजेशन इज नॉट कॉमन, इट इज सेपरेट, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझना, जैसे हमने कमल्स लिखा ना पोजेसिव केस में और सरल लिखा पोजेसिव केस में, तो इससे ये क्लियर हो गया कि वी आर रेफरिंग टू सेपरेट पोजेशंस। अब जब ये आपको पता चल गया कि वी आर रेफरिंग टू सेपरेट पोजेशंस, देन यू मस्ट यूज वर्ब प्लुरल, देन यूज आर, ठीक है। अब देखो है कि जो हमने कमल्स एंड सरल्स लाइफ लिखा है ना, ठीक है, इससे हमें पता चल गया दो पजेसिव केस यूज करने से कि वी आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट लाइव्स, वन लाइफ ऑफ सरल एंड वन लाइफ ऑफ कमल, ठीक है। अब यहां पर हमने कमल्स के साथ में लाइफ लिखा नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो कमल्स लाइफ एंड सरल्स लाइफ आर फुल ऑफ हार्डशिप्स, दैट इज द आंसर। तो यहां पर हमने ये सीखा, बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो ये था कि व्हेन वी कनेक्ट टू सिंगुलर नाउन्स विद एंड, दे मेक प्लुरल एंड देयर क्यूमुलेटिव वैल्यू इज प्लुरल, हेंस वी मस्ट यूज अ प्लुरल वर्ब विद देम, दैट्स नॉट एज सिंपल, ये इतना आसान है नहीं जितना हम इसको कह देते हैं, जितना आसानी से हम इसको सुन लेते हैं, ठीक है। तो इस पे भी आप ध्यान रखेंगे कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू कन्वे, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो सारी चीजें भी आपको समझनी पड़ती है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, मैं केवल आपको ये बेसिक समझा रहा हूँ सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के, और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट आपको ऐसे फाउंडेशन चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एंड कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे, कमेंट्स थे, तो मैं उनको आंसर कर देता हूँ। ASEC फाउंडेशन जो आपका बैच है बच्चे, लाइव बैच है, इसमें क्लासेस लाइव होंगी, एंड एट दैट मोमेंट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ अभी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो आप देख रहे होंगे जो हम यूट्यूब पे आपको अपने सेशंस दे रहे हैं, ये हम प्रीमियर फॉर्म में दे रहे हैं, प्रीमियर का मतलब कि हम पहले उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर बाद में आपको अवेल करा रहे हैं, ठीक है। सो यू कांट आस्क लाइव क्वेश्चंस, लेकिन जब ASEC फाउंडेशन बैच ऐप पे रन करेगा तो उस समय इसकी लाइव क्लासेस होंगी 5 to 6 इन द इवनिंग, एंड एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू आस्क योर क्वेश्चन एंड डाउट्स, ओके। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, वो ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स विल बी टेकन केयर ऑफ, ओके। Okay, I'll explain these issues in the next video because I'm a bit busy now, ठीक है। तो ये मैं कुछ और इसके यूजर्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर से आपको एक बार बताता हूँ, ASEC फाउंडेशन ये आप एक स्क्रीन शॉट वगैरह ले लेंगे और इसको एक बार समझ लेना, इसका क्या डिटेल्स मैंने मेंशन कर दी एक सिंगल स्लाइड पे, और नेक्स्ट लेक्चर जो आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का होगा उसमें मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।